ऋषभ पंत के अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट के बाद उनका आईपीएल 2023 में खेलना अब तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ खबरें तो इस तरफ भी इशारा कर रही हैं कि ऋषभ पंत मोस्ट प्रोबेबली 2024 के आईपीएल के लिए भी शायद फिट नहीं हो पाएंगे। उसके अलावा 2024 के वर्ल्ड T20 के लिए भी वो अवेलेबल नहीं रहेंगे और कम से कम 18 महीने उनको लग सकते हैं टू फुली रिकवर एंड गेट बैक ऑन टू द फील्ड। यानी कि 2023 के लिए कम से कम दिल्ली कैपिटल को एक नए कप्तान की जरूरत है और उसके लिए पूरे 4 दावेदार दिल्ली कैपिटल्स की टीम में मौजूद है। तो एक एक करके हम सभी दावेदारों के बारे में बात करेंगे और एंड में मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा कि मेरे हिसाब से दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में किसे कमान संभालनी चाहिए। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द वीडियो। नंबर 1 प्लेयर जो कि ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में डीसी के कप्तान बनने के सबसे बड़े दावेदार हैं इस डेविड वार्नर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अब डेविड वार्नर लंबे समय तक सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी कर चुके हैं और उसके अलावा 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद को चैंपियन बनाने में डेविड वार्नर का सबसे बड़ा रोल था। 700 रन उन्होंने बनाए थे, अकेले टीम की बल्लेबाजी को वो ढो रहे थे। उसके अलावा कमाल की कप्तानी भी उन्होंने की थी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान वो अनफॉर्चुनेटली कभी नहीं बन पाए हैं। अभी अभी उनका जो बैन था उसकी अपील भी उन्होंने वापस ले ली है। तो ही कैन ऑल्सो कम विद अ पॉइंट टू प्रूव और एक्सपीरियंस इनके पास बहुत ज्यादा है। मेरे हिसाब से लिमिटेड ओवर्स में वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है, ये डेविड वार्नर की खासियत है और इसी वजह से डेविड वार्नर डीसी के कप्तान बनने के एक बड़े दावेदार हैं। सेकेंड प्लेयर जो कि दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान बनने के एक बड़े दावेदार बनकर निकले हैं इज रॉबमैन पावल फ्रॉम वेस्ट इंडीज। अब रॉबमैन पावल ने पिछले साल ही दिल्ली कैपिटल्स को ज्वाइन किया है और इस समय वो आईएल T20 में दुबई कैपिटल्स की कप्तानी कर रहे हैं और वहां पर अपने बल्ले से कुछ कमाल की पारियां भी खेल चुके हैं। यानी कि कप्तानी का जब दबाव उनके ऊपर आया तो उनका बल्ला और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो गया है और थोड़ी बहुत ये सोच हो सकती है दिल्ली कैपिटल्स के खेमे के अंदर की जिस तरीके से पावल ने अभी बल्लेबाजी की है, ऊपर से वो युवा है तो आपके लिए बैकअप के तौर पर कप्तानी के लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं और दुबई कैपिटल्स में उन्होंने अपने बल्ले से भी सबको प्रभावित किया है। ऐसे में रॉबमैन पावल इज एन अंडरडॉग टू बिकम दिल्ली कैपिटल्स न्यू कैप्टन। थर्ड प्लेयर जो कि दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान बनने की दावेदारी पेश कर रहे हैं इज देयर ओपनिंग बैट्समैन पृथ्वी शॉ। अब पृथ्वी शॉ का दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान के तौर पर नाम कोई नया नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि आगे जाते हुए ऋषभ पंत के बाद दिल्ली कैपिटल्स की कमान वो संभाल सकते हैं या फिर उनके वाइस कप्तान बन सकते हैं जैसे जैसे और ज्यादा मेच्योर होंगे। हालांकि जो उनकी इमेच्योरिटी और उनकी थोड़ा सा यंग होने का जो है उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, लेकिन पृथ्वी शॉ आप ना भूलें कि अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, तो जाहिर है कि लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर जरूर है। अभी अभी उन्होंने टीम इंडिया में वापसी की है। एक इंडियन प्लेयर है जो कि उनके फेवर में जा रहा है क्योंकि ओवरसीज प्लेयर के साथ आप क्या होता है कि फॉर्म वगैरह का इशू हो तो आप उनको चेंज नहीं कर सकते। तो इंडियन प्लेयर अगर कप्तान बनता है तो किसी भी टीम के लिए यह फायदेमंद होता है। ऐसे में पृथ्वी शॉ कुड बिकम दिल्ली कैपिटल्स नेक्स्ट कैप्टन। फोर्थ प्लेयर जिनका नाम मार्केट में इस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है लेकिन वो भी अपने आप में कप्तानी के एक दावेदार है इस दिल्ली कैपिटल न्यू रिक्रूट मनीष पांडे। अब मनीष पांडे लंबे समय तक डोमेस्टिक क्रिकेट में कर्नाटका की कप्तानी कर चुके हैं और एक समय पर उनको आरसीबी के नए कप्तान के तौर पर भी पेश किया जा रहा था। हालांकि मनीष पांडे क्या कंसिस्टेंटली दिल्ली की प्लेइंग 11 में जगह बना पाएंगे, खास करके जब उनके पास यश धूल, सरफराज खान, अमन खान जैसे भारतीय खिलाड़ी मौजूद हैं, क्योंकि पिछले साल भी मनीष पांडे का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए और इस साल उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए ऋषभ पंत की गैर में शायद दिल्ली कैपिटल्स उनके साथ शुरू करे, लेकिन उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस किस तरीके की रहती है इस पर प्लेइंग 11 में उनकी जगह बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी, लेकिन कप्तानी का एक्सपीरियंस उनके पास जरूर है। ऐसे में वो भी दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान बनने के एक बड़े दावेदार बन सकते हैं। अब अगर आपको एंड में मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से डेविड वार्नर इज द परफेक्ट चॉइस टू बिकम दिल्ली कैपिटल्स न्यू कैप्टन और मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली कैपिटल्स जो है डेविड वार्नर की तरफ ही जाने वाली है। हालांकि 2021 में जिस तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद ने उनको हटाया था कप्तानी से, उसके बाद सभी फ्रेंचाइजीज में थोड़ा सा ये मैसेज गया था कि अब शायद डेविड वार्नर को कोई भी फ्रेंचाइजी लीडरशिप के रोल में ना देखे, लेकिन डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर। और मेरे हिसाब से अगर आपकी टीम थोड़ी सी बिखरी है, क्योंकि ऋषभ पंत ना सिर्फ आपके कप्तान थे बल्कि आपकी टीम के सबसे महंगे और सबसे स्टार पावर वाले खिलाड़ी भी थे, मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत का बहुत बड़ा रोल होना था, तो उस टीम को थोड़ा सा इकट्ठा करने, उसके अंदर थोड़ा सा जुनून भरने के लिए डेविड वार्नर
कुमार से बेहतर खिलाड़ी कोई भी नहीं रहेगा। उनके बल्ले पर टीम की फॉर्म बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी और उसके साथ साथ उनका एक्सपीरियंस और जोश भी टीम के काम आएगा। और आप ये ना भूलो कि वो सिर्फ एक लौते ऐसे विदेशी खिलाड़ी हैं जिनकी मोस्ट प्रोबेबली प्लेइंग 11 की जगह पर कोई संदेह नहीं है। एंड्रिक नॉर्किया की फिटनेस के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके अलावा फिल सॉल्ट, राइली रोसो भी इस टीम के पास है, तो जरूरत पड़ने पर अगर पावल का प्रदर्शन नहीं अच्छा हो रहा तो आप उनको रोसो से रिप्लेस कर सकते हो। अगर आपको फिल सॉल्ट की जगह बनानी है तो आप मार्च को ड्रॉप कर सकते हो। तो ये चीजें भी डेविड वार्नर के फेवर में जाती हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली डेविड वार्नर ही दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान बनेंगे और डेविड वार्नर को ही डीसी का कप्तान बनना चाहिए। लेकिन अब इस पूरी लिस्ट पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि क्या आप भी पॉपुलर चॉइस डेविड वार्नर के साथ जाने वाले हो या फिर बाकी तीन चॉइसेस में से आप किसी को डीसी का कप्तान बनते हुए देखना चाहते हो। जो भी आपका ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर यू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, बिकॉज इसी तरीके की एनालिटिकल वीडियोस हम लगातार हर बार आपके लिए इस चैनल पर लेकर के आते हैं। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।